क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। तो हम ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ से करेंगे, और फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली जो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, और जो CSIR UPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वहाँ तक पूरा चीजें जो है कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो होगा बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाले हैं, और कोशिश करना है खुद से लगाने की, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों टाइप में समझा चुकी थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे टू और थर्ड तो काम नहीं आएंगे, न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा सिंपली ए विल बी राइट वन। द जीन्स विच कंट्रोल और रेगुलेट द एक्शन ऑफ अदर जीन्स, बताया था यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी जीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार जैसे हो गया एनहेंसर हो गया है, साइलेंसर हो गया है, मॉड्यूलेटर हो गया है, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। तो रेगुलेटरी जीन्स इनको बोला जाता है, जो चीजों को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, चीजों को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, साइलेंस करेंगे, ये सब देखने को मिलेगा। नाउ एनहेंसर मैंने बताया था जीन जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, कहीं भी प्लेस पे देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे साइलेंसर भी देखने को मिलते हैं जो जीन की एक्टिविटी को यहाँ पे रिप्रेस करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is generally true about RNA polymerase second? कौन सा true है? It is dedicated to transcribing RNA from a single transcription unit, generally a large transcript, which is then processed to yield three type of ribosomal RNA. बेटा ये RNA polymerase second है, पहली बात तो ये mRNA का formation करती है, ये ribosomal RNA का formation नहीं करती है तीनों type का। लेकिन हाँ ये क्योंकि normally अगर eukaryotes की बात करते हैं तो ये हमारे monocystronic होती हैं, तो ये वाला transcription unit वाला फिर भी ठीक होता है, लेकिन RNA का यहाँ पे कोई formation देखने को नहीं मिलता है तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। It transcribe varieties of small non-coding RNAs which are expressed in all cell types. ये पूरी तरह गलत हो चुका है, which is expressed in all cell types, ये वैसे गलत हो गया है। कुछ कुछ small coding non-coding RNAs का formation होता है, लेकिन ये इतना इसका ये काम नहीं है, तो ये वाला पूरी तरह गलत हो जाएगा। It generally synthesize various type of mRNAs. Yes, very important. तो mRNAs को ये mainly बनाती है, उसके साथ साथ कुछ small non-coding RNAs को यहाँ पे form करेगी, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो C will be right one. It is exclusively बहुत तुम्हारा extreme word है ऐसे question को देखना कि 80-90% ऐसे question के answer जो होते हैं गलत होते हैं, तो RNA तो बनाएगा नहीं, तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा, तो C will be right one. तो ये बता चुकी थी यहाँ पे। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारा आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है एमआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज थ्री जो है टीआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, तो इस चीज को भी याद रखना है। और कुछ 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 छोटे छोटे आरएनएज बनते हैं, जैसे SNORNA हो गया है और SNRNAs हो गए, इनका फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मेच्योरेशन प्रोसेस ऑफ सम आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ 2' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टेक्स प्लेस, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट दिस फिनोमेना। Spliceosome mediated removal of intronic sequences occurs through the formation of a 5' to 5' phosphodiester bond. Removal of a group second introns occurred through the formation of a 2' to 5' phosphodiester bond. Enzymatic removal of introns from each tRNA precursor involved the 2' to 5' phosphodiester bond formation. RNase-P, which is mediated the 5' end maturation of tRNA precursor, involved the formation of 2' to 5' phosphodiester bond. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था ये समझाने के लिए। देखो यहाँ पे होता है जीओ रिच रीजन, यहाँ पे होता है ब्रांच पॉइंट, और यहाँ पे होता है तुम्हारा ए जी या फिर जीए वाला जो रीजन होता है, जहाँ पे 3' स्प्लाइस साइट होती है, ये 5' स्प्लाइस साइट होती है, और यहाँ पे क्या होता है 2' OH वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ये 2' OH पहले क्या करता है, इस जी पे अटैक करता है और इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। उसके अलावा यहाँ पे जो OH फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो यहाँ पे जो एडेनिन है यहाँ से एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया जाता है इंट्रोन्स के बीच में, और ये इंट्रोन्स जो है फिर उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के बाद में वहां से निकल जाते हैं और एक्सोन जो है आपस में लाइगेट कर जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्प्लाइसियोसोम रिमूवल जो करता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोन्स जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के वहां से निकल जाते हैं, और जहाँ पे ये क्या करते हैं OH अटैक करता है उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है, जहां पे एक बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, और सेकंड वाले में भी 3' स्प्लाइस साइट पे ब्रेक किया जाता है, उसके बाद यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वहां से रिमूवल जो है इंट्रोन का देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन, तो पी और क्यू जो होगा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। नाउ
अल्फा एमिनिटिन इज अ फंगल टॉक्सिन व्हिच इनहिबिट द यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस. द थ्री यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस शो डिफरेंट sensitivity to this toxin. Which one of the following order is correct in respect to or respect of sensitivity towards this protein? So basically अगर इस fungal toxin की बात करते हैं alpha amanitin, तो normally कौन sensitive होता है? सबसे ज़्यादा sensitive होता है वो होता है RNA polymerase second. सबसे ज़्यादा sensitive होता है. थोड़ा amount भी दोगे तब भी वो अपना काम करना छोड़ देगा. अब इसके बाद आता है RNA polymerase three. ये क्या करता है? अगर इसको थोड़ा सा अमाउंट से काम नहीं चलेगा, अगर तुम ज्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिन दोगे तो हाँ तो इसको अफेक्ट करेगा, कम पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है. तो मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, मॉडरेट सेंसिटिविटी जो है देखने को मिलती है. लेकिन आरएनए पॉलीमरेज वन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए याद रखना है. तो आंसर जो हो जाएगा सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट विल बी राइट वन. तो अगर देखोगे यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. आरएनए पॉलीमरेज जो है सेकंड जो है हाईली सेंसिटिव है, जबकि पॉलीमरेज थ्री जो है मीडियम सेंसिटिविटी है. मतलब जब ज्यादा अमाउंट हाई अमाउंट दिया जाएगा तब जाके उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है. Now, leader sequences in some of the protozoan parasite is transcribed elsewhere in the parasite genome and get joined with several transcript to make a functional RNA. Basically, क्या बोला गया है? एक exon यहाँ पे form हो रहा था, एक exon यहाँ पे form हो रहा था intron के साथ में, ठीक है? अब जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है transsplicing, very important. तो पहले तो elsewhere कहीं बन रहा था, उसका transcription हो रहा था और वापस से वो join हो जाते हैं एक जगह पे आके और functional RNA का formation करते हैं. इसको transsplicing बोला जाता है. तो very important, the B will be a right one. Now, small and nuclear RNAs used to process and chemically modified RNAs are called. तो ये क्या होते हैं? ये हमारे spliceosome का formation करते हैं. अभी जो spliceosome का formation होता है, इसको SNPs भी बोला जाता है और SNORNA भी बोला जाएगा. तो answer जो हो जाएगा, second C will be a right one. तो SNORNA जो उसको बोला जाता है. तो हमारे small nuclear RNA यहाँ पे बोला जाता है. Now, HeLa cell extract was used to study the transcription of a gene X having six introns. RNA polymerase second complex containing all associated proteins were isolated. अब इसमें बोला है कि RNA polymerase जो second complex था उसमें जितने भी associated proteins थे वो सारी की सारी हमने isolate कर ली. और from actively transcribing system, और जहाँ पे मतलब पूरा properly transcription हो रहा था और proteome analysis उसका किया. अब result का देखा गया कि splicing और capping enzyme दोनों की दोनों उसमें present हैं. मतलब उसमें splicing भी हो रही है और capping enzyme भी हो रही है. जब when the transcription elongation was inhibited, लेकिन अब हमने क्या करा, transcription के elongation को रोक दिया, flavopiridol से उसको रोक दिया. अब क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ capping enzyme है, उसमें splicing जो है देखने को नहीं मिल रही है. अब next क्या क्या है, when phosphorylation of CTD domain of POL2 was inhibited by the kinase inhibitor. अब हमने क्या करा, उसके जो carboxy terminal domain थी उसकी जो फॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस थी उसको ही हमने इनहिबिट कर दिया है. तो ना तो अब स्प्लाइसिंग देखने को मिल रहा है, ना तो कैपिंग देखने को मिल रहा है. आया समझ में? पहले तो नॉर्मली सब कुछ बन रहा था, उसके बाद हमने क्या करा है, ट्रांसक्रिप्शन के इलॉन्गेशन को रोका है. तो कैपिंग हो रही है, स्प्लाइसिंग नहीं हो रही है. उसके बाद हमने उसकी जो सीटीडी चेन है उसको ही फॉस्फोराइलेट नहीं होने दिया है. तो ना तो स्प्लाइसिंग हो रही है, ना कैपिंग हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन एक्स, जो जीन एक्स है इस कपल टू द एमआरएनए कैपिंग. ऑब्वियसली अगर ट्रांसक्रिप्शन अगर उसके साथ, क्योंकि अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को प्रॉपरली करा रहे हैं तो कैपिंग हो रही है, अगर हम कहीं भी इनहिबिट कर रहे हैं तो कैपिंग नहीं हो रही है. तो ये बिल्कुल सही है, ट्रांसक्रिप्शन ही उसका हो रहा है क्योंकि कैपिंग हो रही है. ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन इज कपल टू स्प्लाइसिंग. क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को जब इलॉन्गेशन को रोका है तब हमारी कैपिंग तो हो रही थी लेकिन स्प्लाइसिंग नहीं हो रही थी. इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्प्लाइसिंग के साथ जुड़ा हुआ है. कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन होगा स्प्लाइसिंग भी वहां पे देखने को मिल जाएगी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा. फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन का जो फॉस्फोराइलेशन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैपिंग एंजाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर हम उसको रोक देते हैं तो दोनों देखने को नहीं मिलते हैं. तो ये भी हमें पता चल गया, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा. बोथ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए अकर साइमल्टेनियसली. ये हमें कहीं देखने को नहीं मिला है कि साइमल्टेनियसली होता है कि नहीं होता है. हमें सिर्फ बोला गया है कि अगर मैं इसको रोकता हूँ तो कैपिंग एंजाइम काम करें, स्प्लाइसिंग काम नहीं करें. अगर मैं सीटीडी का फॉस्फोराइलेशन नहीं कराता हूँ तो दोनों काम नहीं कर रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली का यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा. तो करेक्ट कौन सा होगा, PQR will be your right one. ए जो होगा बिल्कुल सही होगा. क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना होता ऐसे क्वेश्चंस में. A non-enzymatic viral X protein was found to be inducing a cellular gene promoter activity. Although no in vitro DNA binding activity could be identified with the X protein, it was found to be co-recruited on the cellular promoter along with a cellular transcription factor in vivo. अब बोला गया है कि
अगर मैं एक नॉन एंजाइमेटिक वायरल एक्सप्रोटीन को लेती हूँ और उसको इंड्यूस करती हूँ कि वो सेलुलर जीन जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करे, ठीक है, अगर मैंने क्या किया इन विट्रो में डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी के साथ में उसको बाइंड करा, तो मैंने देखा कि वैसे तो कुछ काम नहीं था, लेकिन हाँ वो किसी और, मतलब इट वॉज फाउंड टू बी को रिक्रूटेड ऑन द सेलर प्रमोटर, मतलब वो रिक्रूट को रिक्रूट हो रही है, किसी और के साथ में रिक्रूट हो रही है, अगर मैं कुछ ट्रांसफेक्शन फैक्टर दे रही हूँ उसके साथ में वो क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव फाइंडिंग, तो एक्स इज अ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, अगर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती तो ये यहाँ पे खुद बाइंड कर जाती ना, वो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ में बाइंड नहीं करती, तो इसलिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। एक्स इज अ चेपरॉन, नहीं बेटा बिल्कुल गलत होगा। मॉडिफाइज अ क्रोमेटिन फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, नहीं ये मॉडिफाई नहीं करिए, सिर्फ को रिक्रूट हो रही है, मतलब क्या हुआ ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ में क्या करिए रिक्रूट हो रही है, मतलब ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रही है, उसके साथ में रिक्रूट हो रही है और बाद में उसकी एक्टिविटी को वहां पर अफेक्ट करेगी, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। Now, you are working with an in vitro eukaryotic transcription system which produces both capped and uncapped mRNAs. You incubated these mRNAs with mammalian cell nuclear extract, then quantified the different product as shown in below. अब यहाँ पे बताना है ये प्री एमआरएनए है, ये स्प्लाइज्ड एमआरएनए है, पॉलीएडेनाइलेटेड एमआरएनए है। अब हमें बताना है कि क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर कैप्ड है और अनकैप्ड है, अगर कैप्ड होगा तो मतलब उसका आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रखा होगा, प्रॉपरली वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रखी होगी, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा प्री एमआरएनए कम होने वाला है, क्यों, क्योंकि वो तो हमारे मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे स्प्लाइज्ड एमआरएनए भी देखने को मिलेगा और पॉलीएडेनाइलेटेड भी देखने को मिलेगा। अगर अनकैप्ड है, अनकैप्ड है मतलब वहाँ पे स्प्लाइसिंग भी नहीं होगी, पॉलीएडेनाइलेटेड भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इनका अमाउंट कम देखने को मिलेगा और जो हमारा प्री एमआरएनए है उसका जो कन्वर्जन है अभी काफी रह रहा होगा, तो पहला यहाँ पे सही लग रहा है। अभी देखते हैं, तो कैप्ड में बोला है कि प्री एमआरएनए ज्यादा होगा, बिल्कुल गलत हो गया है। अनकैप्ड में बोला है ये बिल्कुल गलत हो गया है। यहाँ पे बोला है अनकैप्ड है और यहाँ पे बोला पॉलीएडेनाइलेट नहीं होगा, बेटा पॉलीएडेनाइलेट तो ऑब्वियसली वहां पे देखने को मिलेगा, तो ये वाला पूरी तरह गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैप्ड है और यहाँ पे बोला गया है स्प्लाइसिंग नहीं हो रही है और पॉलीएडेनाइलेट बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा